हमेशा पूर्वजों के लिए भोग लगाने के लिए भी थाली रखी जाती है दक्षिण की तरफ। पूर्वजों का जो स्थान होता है वो दक्षिण में ही होता है। घर में भी पूर्वजों की आप तस्वीर लगाते हैं तो जो दीवाल दक्षिण की तरफ है उस दीवाल पर लगाइए। पुरखों का मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए और पीठ उनकी दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में। जैसे हनुमान जी की पीठ उत्तर में होती है, मुंह दक्षिण में होता है। हनुमान जी को विशेष रूप से यही देखा जाता है। दुर्गा मैया की पीठ पूरब में होती है और मुंह पश्चिम में होता है माँ दुर्गा का। उसी प्रकार से पितरों की जो पीठ है वो दक्षिण में होती है और उनका मुख है वो उत्तर में। दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच जाएं, चाहे आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट वेस्ट में कहीं भी हो, लेकिन ये इतनी बड़ी महिमा हमारे सनातन धर्म की है, आप कहीं भी जाके खड़े हो जाना, गंगा जी उत्तर में ही होगी, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप साउथ में खड़े हो जाना, नॉर्थ में, कहीं भी खड़े हो जाना, लेकिन गंगा जी जो है, गंगा जी का स्थान पूरे देश में उत्तर की ही तरफ है, गंगा जी उत्तर में। इसलिए उत्तर की तरफ मुंह करके कथा कहना, पढ़ना, यज्ञ करना, यजन करना, जो अग्निहोत्र जो नित्य का है। वैसे अनुष्ठान में यज्ञ किया जाता है उसमें पूर्व में मुंह होता है और पश्चिम में पीठ होती है, लेकिन जब आप नित्य हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें गंगा जी की तरफ मुंह करके बहुत बढ़िया होता है। ब्राह्मण को उत्तर की तरफ मुंह करा के भोजन कराना बढ़िया होता है, लेकिन एक ऐसा श्राद्ध कर्म है जिसमें ब्राह्मण को भोजन कराते समय उसका मुंह दक्षिण की तरफ किया जाए। तर्पण में ब्राह्मण दक्षिण की तरफ मुंह करता है, काक बलि में भी मुंह दक्षिण की तरफ किया जाता है। इन सब नियमों का यहाँ पालन किया जा रहा है, तो इन बातों को बिल्कुल याद रखिएगा। आ ब्रह्मस्प सप्रीतः देवा सा पितृमानव तृप्यंतु पितरा सर्वे मातृमा तार महादया। आप यहाँ जो भी कार्य करने के लिए आए हैं, स्पष्ट इसमें वर्णन है, सप्त पीढ़ियों तक इससे तृप्ति मिलेगी। तीन आपके ऊपर से, तीन आपके नीचे और एक आप, ऐसे सात पीढ़ी इससे बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाए। गया जी तो जीवन भर आते रहे पूर्वजों के निमित्त। एक दिन के लिए आइए, दो दिन के लिए आइए, आइए बार बार आने की बात कही। देखो वही बात यहाँ पर आ गई है जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि पिता की तिथि में माँ को भी, माँ की तिथि में पिता को भी जिमाइए, वर्णन किया गया। पितुर्मातु, इतनों के लिए आपके द्वारा जो भी पूजा पाठ गया जी में आके कर देते हैं वो किस किस को लगता है देखिए। वर्णन है पितुर्मातु स्वभार्याया भगनिया दुई तुस्तता पितृ ससुरः तुमस्तु सप्त गोत्रः प्रकीर्तिता। एक तो इसमें बहन के ससुराल यहाँ सात गोत्र आ गए, आप ये कर रहे हैं अकेले सात गोत्र तक आपका किया गया सत्कर्म लग जाता है। मामा का गोत्र है आपसे अलग है, मौसी का गोत्र आपसे अलग है, बहन के ससुराल वालों का गोत्र आपसे अलग है, बुआ का गोत्र आपसे अलग है, ये सात गोत्र वालों को गया तारण कर देता है। एक व्यक्ति आता है ऐसे कल्याण सात गोत्र वालों का हो जाता है। किस किस का? एक तो स्वयं का जो पिता के गोत्र से चलता है, एक माता यानी मामा का गोत्र, और एक है भार्या यानी ससुराल वालों का गोत्र, एक है भगनी यानी बहन की ससुराल वालों का गोत्र, और एक है दोहितु दोहिता, दोहिता यानी बेटी की बेटी की बेटी दोहिता, हा? दूसरे शब्दों में जिसको देवती कहते हैं उसी को बोलेंगे दोहिता, अपनी नातिन को बोलेंगे दोहिता, बेटी की बेटी को बोलते हैं ना दोहिता। आपके यहाँ ये करने से बेटी के यहाँ तक इसका असर होता है। ये नहीं है कि इसका असर सिर्फ आपके ही खानदान में, आप जो यहाँ कर रहे हैं इसका असर कहाँ कहाँ तक है बताया जा रहा है। दोहिता सप्त गोत्रा प्रकीर्तिता, आपके एक करने से एक गोत्र आपका, छह गोत्र और, इनका कल्याण श्री गया जी में पहुंच करके होता है। अस्मिन कुले मृताये तय गत्र ये साम्य विद्यते, अपने कुल में उदर में खत्म होने से लेकर के वृद्धावस्था तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है गया जी में एक बार यात्रा करने से वो सब मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन। पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए, उद्धार के लिए।